वेलकम टू आयशा एंड मोमिना चैनल। तो आज हम लेके आए आप लोग एक न्यू चैलेंज और न्यू गेस्ट के साथ। यस, और पहले से आपको पता चल गया होगा, थंबनेल से भी पता चल गया होगा हमारा गेस्ट कौन है। और उससे पहले मेरे इंस्टा को जाके फॉलो करो, ऊपर आईडी नजर आ रहा होगा, हम दोनों का आईडी नजर आ रहा होगा। मतलब आज का चैलेंज हमने कोई बाजार से ऑर्डर नहीं किया, जो चैलेंज है खुद बनाया है, जो कि है हमारी स्पेशल आयशा की मोस्ट फेवरेट और जो हमारी गेस्ट हैं उनकी भी मोस्ट फेवरेट, सबकी होती है दही बूंदी, सबको बहुत पसंद है। मुझे रेडी किए हैं ये और मैं तो कुछ और कर रही थी आज सारा दिन, बात आज लास्ट में देखना कि मैं क्या कर रही थी। तो यहाँ पे सब कुछ रेडी है और यहाँ पे दही भी हमारा रेडी हो चुका है, सब कुछ ऐड कर दिया। और ये है तीन बॉल्स, इनको हम इक्वली, मतलब थोड़ा एक जैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन इक्वल हम तीनों को भरते हैं और फिर हम अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं। आयशा लेके स्पून टमाटर नहीं ऐड किया आपने? नहीं, हम टमाटर नहीं खाते। हाँ, मुझे टमाटर पसंद है। मैंने फिर भी टमाटर नहीं ऐड किए, क्यों? टमाटर मुझे टमाटर पसंद है, मुझे नहीं पता, नहीं पसंद टमाटर। टमाटर मैं अपने लिए प्याज भी नहीं डाल रही थी, मैंने कहा फिर आयशा के थोड़ा सा कार्टून। अच्छा, ये हमने तीनों मतलब भर लिया, इक्वल कर लिया और अब इसमें हम ऐड करते हैं दही। टमाटर के बगैर तो दही बूंदी का मजा ही नहीं आता, आप लोग क्या कहते हैं? मतलब एक बात मुझे याद आई है, मैंने सुना है कि आयशा बहुत जिद्दी है, बहुत बुरी है, पता नहीं क्या करती होगी, क्योंकि मैं आज टमाटर की लड़ाई जो डाल रही है, मैंने टमाटर की लड़ाई डाल दी है ना मैंने। आपको क्या लगता है, मैं ऐसी हूँ? ऐसी बात नहीं, आज हो गई ऐसी नहीं। आप भी दही डालोगे? पहले टमाटर ऐड करना। ये मेरे हैं जी, मेरे येलो व्हाइट के साथ येलो येलो बॉल आयशा को इसलिए दिया है क्योंकि आयशा ने पहना है व्हाइट ड्रेस, इसलिए व्हाइट ड्रेस के साथ येलो। अब ये चाट मसाला मौना पे ऐड के भी चाट मसाला अच्छा नहीं होता, पता है आपको? लेकिन दही बूंदी मसाला हम रमजान में बनाते हैं। ये देखें जी, मेरे टमाटर, मेरे टमाटर, ये ठीक है। वैसे मैंने ऐड किया है दही में। अच्छा, ये डेकोरेशन के लिए बस थोड़ा है। टमाटर थोड़े मेरे लिए भी काट देती है। अच्छा, इसमें से निकाल लो। मैं भी खाती हूँ टमाटर शौक से, प्याज और टमाटर ना हो क्या फायदा दही बूंदी का? टमाटर पड़ा हुआ आप काट लीजिएगा बाद में। तो यहाँ पे हमारे तीनों बॉल्स रेडी हो गए, अब इसको हम टेबल पे जाके रखते हैं और फिर मिलते हैं। आ चुके हैं जी हमारे दही बूंदी। तो हमारे गेस्ट जो है, हमारी गेस्ट जो है वो पहले से आके बैठ गई है आज की हमारी गेस्ट जी, अम्मी हमारी, क्योंकि अम्मी को आप लोग बहुत पसंद करते हैं, तो अम्मी ने क्या मेरे साथ चैलेंज करो तुम लोग। और ये हमने ना मतलब हुक्को की पसंद का रखा है, हर किसी की पसंद का रखते हैं, तो हमने सोचा आप भी हमारे साथ हुक्को चैलेंज करें फर्स्ट टाइम। तो मैंने कहा दही बूंदी जो करते हैं सॉफ्ट होती है ना, इजी खाई जाती है, तो बस अभी अपनी खा चुके हैं ना, फर्स्ट टाइम चैलेंज करने लगी हूँ। यहाँ पे हमने अपने बॉल्स मतलब पकड़ लिए, ये वाला मेरा, ये हुक्को का, और वो है येलो वाला आयशा का, पहले ही डिसाइड हो गया था। और ऐसी बात नहीं है कि हमने कम ज्यादा रखी है, तीनों में लग रहा है ना इसमें कम है, कम लग रहे हैं आपको? ये पक में देखो इसमें और इसमें क्या, और ये बाउल चेंज है, ये हल्का लग रहा है, नहीं सही है वो, ये तो इतना वजनी बाउल है, बर्तनों का वजन है, बर्तनों का है ना, मतलब नहीं मिल रहा बॉल हमें नहीं मिला था, इसलिए ऐसे हम निकले। चले फिर रेडी है हुक्को आप चैलेंज के लिए, तो स्टार्ट करो, कुछ बोले तो सही से पूछे कि अभी हमारे चैलेंज में आप कैसे लग रहा है, ये बाद में पूछते हैं, पहले चैलेंज तो कर लेना, फर्स्ट टाइम चैलेंज करने के लिए कैसे लगा आपके हमारे चैनल में आके, कैसे लग रहा है अभी आगे पता चले? नहीं आप देख रहे हैं चैनल में तो आई है चैलेंज के लिए, फर्स्ट टाइम आई है चैलेंज के लिए, फर्स्ट टाइम तो मैं कौन सी दूर थी सामने, तो कैसे लगा आपके चैलेंज, कैसे लगते हैं? दूसरी जगह थोड़ा अच्छे लगते हैं बस, स्टार्टिंग वाले थे ना, शुरू शुरू लेकिन अब खा चुके थे, सभी अच्छे थे। चलो आप आज हम करते हैं दही बूंदी चैलेंज मसाला।
देखते हैं आज कौन होता है विनर। मुझे ज़्यादा खा लिया, बहुत खा लिया। खाओ देखती थी
लेकिन आज इन्होंने मुझे जबरदस्ती कहा कि आप भी आओ, आप भी आओ, मेरा दिल भी कर रहा है। मैंने कहा सिर्फ नहीं कहा था आपसे, कहा था बस, मैंने कहा था अभी मैं इसका चैलेंज पे आप मुझे ना मान ली थी, आपको आपको पता नहीं होगा, रमजान में भी चैलेंज करना चाहते हैं बहुत ज्यादा। हाँ जी, तो अब्बू की वजह से डेथ होगी तो हम पीछे, वरना अम्मी के साथ बड़े चैलेंज सोचे थे हमने, अम्मी कहती थी मेरी फेवरेट चीजों को चैलेंज कर मेरे साथ। तो अगर आप लोग उपो के साथ हमारे और भी चैलेंजेस देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं और कौन से चैलेंज करेंगे हम उपो के साथ, क्योंकि ये उनकी पसंद का चैलेंज किया था, इसीलिए खाए जाते हैं ना। और अम्मी ने पहली दफा इतना ज्यादा खाया, हमें खाते नहीं है, और मैं आपको मुश्किल में पेश आई नहीं। तो और अम्मी बताए आपको आज तक का सबसे चैलेंज कौन सा लगा हमारा, कुछ याद हो लगता ही नहीं, मुझे याद होना कुछ नहीं याद है, एक ही मैं कह सकती बहुत ज्यादा अच्छा, एक बता देना जो आपको सबसे अच्छा लगा, आपने देखा हो सबसे ज्यादा याद नहीं है अम्मी का शौक चढ़ा ज्यादा यूट्यूब का लोग बता दे यही जो पिछले दिनों दाल ही नहीं बनाई थी, मतलब शौक चढ़ा हुआ था खाना देखने का, मतलब पहले हमको कोई शौक नहीं था यूट्यूब देखने का, सारे बेचारी खाना खाती थी अम्मी के लिए, तो इसलिए है अम्मी ये बात है ना, अम्मू को मतलब बहुत होता था, वो हर वीडियो देखते थे हमारी, तो अम्मी को अब अम्मी चाहती है मुझे भी दिखाओ, तो अब अम्मी देखती है, शूट भी करती है हमारे, बहुत कुछ करती है। तो बस यहीं पे आज एंड करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइम अम्मी के साथ हमने किया दही बूंदी चैलेंज, और बहुत मजा आया, अम्मी ने आज बहुत अच्छा चैलेंज किया बहुत ज्यादा। तो इसको इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, और मेरे इंस्टा पर वो फ्राइडे नजर आ रहा होगा, और आयशा लाइफस्टाइल को जाके सब्सक्राइब करें जल्दी से, 100 के हो जाए मेरे भी, अब तो मैं 52 अभी बहुत ज्यादा है एक साल लगेगा, जब कुछ पता नहीं होता कब भी आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाए, पता नहीं होता। तो बस इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।